हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद कई लोग सोचते होंगे कि वीडियो पुरानी डाल रही है, बट नहीं, अभी सभी लोग सोचते हैं कि समर्स के सीजन है एंड स्वेटर पहन के बैठी है। सो मैं शिमला में हूँ एंड यहाँ का वेदर जो है बहुत ज्यादा कमाल का है। सो घर में जो है स्वेटर पहन के ही रहना पड़ता है। एंड अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक तवारीख की कहानी वाक्य है बाय मौलाना तारिक जमील जी, जिनके की बयान मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड कल परसों मैंने उनकी वीडियो बनाई है कि वो एक बच्चे की अपील पे उससे मिलने गए थे। सो वो आप लोग जाके जरूर देखो एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लो चैनल को, ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहें। एंड अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ की एक तवारीख की कहानी। आप जानते हैं कि तवारीख क्या होते हैं एंड अभी हम सुनते हैं कि क्या उनका इससे वाक्य है। सो होप्सो की बहुत ज्यादा अच्छा हो एंड आपकी रिक्वेस्ट मुझे वीडियो बनानी पड़ी। सो चलिए फिर सुनते हैं इनका वाक्य। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवायफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवायफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहब ही रहा। जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा सौब है। और जो बिक गई अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवायफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवायफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहनाए? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था, मेरे नबी ने किस्सा सुनाया तिर्मिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी, तो किफल ने कहा क्यों रो रही हो, मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया? तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से, मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे, वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहा बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा, और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, जा मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुसल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था, ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह ए मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा, और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे हुए हैं। मेरे रब काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कई उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए,
ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन जब सुबह हुई और लोग उठे तो उन्होंने देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफले, ए लोगो अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था कि जाओ कंधा दो, जाओ गुसल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया। और ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है, अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, कुरान में ढूंढो, वनुनज्जिल मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान में ढूंढो, उहकमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कुरान में ढूंढो, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन वअदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि, कुरान में ढूंढो, इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुवा बिलहज़ल, ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है, आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चलेगी, या अल्लाह को राजी कर लो जो तिजारत चला, अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा, चलेगी तिजारत, हिरसो हवस छोड़ दो, चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो, चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो, चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो, चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो, चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा, 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए, रेड़ी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता, हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है, हमारा मिस्त्री धोखेबाज है 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है, मैं कहां कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेड़ी वाला नजर आया दूर से, सफेद पकड़ी सफेद दाढ़ी। रेड़ी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं, तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग, तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेड़ी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्ग को खैरियत है क्यों रो रहे हैं, तो कुछ बोली नहीं, खोल कर कुछ बोले नहीं, पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए, जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1-2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। आए हाय हाय, वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं, ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक
वो बिक जाती। फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी, तुम्हारी फौज तुम्हारे तुम्हें अमन कैसे देगी, जब मैंने तुमने सबने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया, इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रोऊं। छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं ख्याल आता कि हमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग की हुई। नमाज छोड़ दो अल्लाह नाराज है, शराब पियो अल्लाह नाराज है, रोजा ना रखो अल्लाह नाराज है, ज़कात ना दो अल्लाह नाराज, ये तो छोटे गुनाह। काफिर मुशरिक अल्लाह नाराज है, लेकिन 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 इस धरती पर सिर्फ एक गुनाह है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, अकील ने बड़े बड़े लोग भी बुलाए होंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मेरी फरियाद सुन। मैं कोई पेशावर खतीब नहीं हूं, मैं अकील के पैसों पे यहां नहीं आया हूं, मेरी सुनो। मेरा रब कहता है या सूद छोड़ दो या फिर मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। जिसके पास चार पैसे ज्यादा आते हैं वो बैंक बना के बैठ जाता, बैंक खरीद ले। पहले अल्लाह से सुलह तो करो। कहते हो चोरियां हैं डाके, हाँ वो भी हमारे अपने हैं, वल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता, बददुआ नहीं करता हूं, दुआ करता हूं, चूंकि अगर ये इस हाल में मर गए तो बड़ी खौफनाक जहन्नम में जाएंगे, और ये मेरे नबी के उम्मती हैं, ना इन्हें अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होगा ना अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जहन्नम की आग उससे अलग है, या तो अल्लाह की जहन्नम को जाके पानी से बुझा दो, किस्सा ही मुका दो, और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जजा सजा का तसव्वुर मिटा दो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि आज तुम लोगों की गर्दनें उतारते हो तो कल जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होके दिखा देना, या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लाल जोर, या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क्यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी सामने करके। तुम हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर जबा कट गए, अरे बकरे को जबा करते हुए भी रहम आ जाता है, अपने अपनी कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्ताहब है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा, जबा किया जा रहा है बकरे की तरह, उसके मासूम अब्दुल्ला को जबा किया जा रहा है, उसके अली को जबा किया जा रहा है, अरे हसन के कासिम को जबा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने वो मुंह पे छड़ियां मार रहा है, और अबू बरजा असलमी खड़े होके फरमाते हैं बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से हट, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों के पोसे लिए, इसलिए कि वो जानते थे कि जन्नत भी है जहन्नम भी है। आओ आज मिलके अल्लाह की दोजख को बुझा दें और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दें, और मुनकर नकीर और इज़राइल को भी कलाशंकोफ से उड़ा दें, फिर जाओ जो मर्जी इज्जतें लूटो, कत्ल करो, बंदे उठाओ, सूद खाओ, नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो, हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही, बेगम से चाय की प्याली नहीं पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहते ओह सेट टूट गया, और नौकरानी से प्याली टूट जाए
तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई, ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? दो दो लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं, क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से, और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ, ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं, पुलिस अमन ला सकती? सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हां हां, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊंघता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी जात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके खजानों की हद नहीं, जिसकी कुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसके जाहो जलाल को जवाल नहीं, जिसकी जात को मौत नहीं, जिसकी जात को हाजत जरूरत नहीं, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो रहमान है। वो कौन है? वो रहीम है। वो कौन है? वो अल मलिक अल कुद्दूस है। वो कौन है? वो अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन है। वो कौन है? वो अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। वो कौन है? वो है जो तुम्हारी शाहरख से ज्यादा करीब है, और उसी को हम नंगे हुए खड़े हैं। मौलाना तारिक जमीर जी के बयान सुनना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल हूं, तो मेरे सामने अगर कोई मतलब जरा सा रोए मुझे रोना आ जाता है। सो उनके बयान ऐसे होते हैं कि वो अपने हर बयान में रो पड़ते हैं, और उनका हर बयान ना बहुत अच्छा होता है। इस वीडियो में मैंने दो किस्से सुनाए हैं, तो तबाही की कहानी सुनाई, एक सुनाई जब वो मजदूर वाले जो हुजूर थे उनके बारे में सुनाई, तो मुझे दोनों के दोनों किस्से बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत दिल पे लगे हैं। कि वो कहते हैं मैं सारे फल बेच के अपने बच्चों के लिए आटा लेके जाता हूँ खाना खाने के, लेकिन आज जो है मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि किसी ने उनकी पेटी में सड़े गले आम रख दिए थे। और मतलब क्या दुनिया में बहुत पाप बढ़ चुका है गाइस, बहुत ज्यादा। और वो कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें कुछ बोलता हूँ तो उस चीज पे तुम अमल करो जो कि हमें करना चाहिए अमल। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और सही बातें बताते हैं कि हमें जो है ये मतलब पैसे की लालच हवस से सब कुछ छोड़ के एक बिल्कुल सही जिंदगी जीनी चाहिए, ताकि जो आपकी असली जिंदगी है आपकी मौत के बाद वो आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि आप जहां जितने बुरे कर्म करोगे आपको वो वहां पे दिखाने पड़ेंगे भगवान के पास जाके, वहां चलता है आपको पता कि हमने शायद अच्छे कर्म किए होते तो हमारे साथ अच्छा होता। सो जो भी करना होता है इंसान को वो हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। एंड उनके बयान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रुलाने वाले बयान होते हैं, बहुत इमोशनल बयान होते हैं, खुद भी रो पड़ती हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा रोते हैं अपने बयान में। सो मुझे बहुत पसंद आया उनका बयान, एंड आपको भी होप सो वीडियो पसंद आई होगी। सो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बाय गाइस।